बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि 10.3 हमारी खत्म हो चुकी है और यकीनन आपने उसका टेस्ट भी दिया होगा। आप स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टेस्ट दिए बगैर आगे मत जाइए क्योंकि आपके लिए नुकसान है। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आप अपनी काबिलियत को एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे कि आपने कैसा पढ़ा और कितना आपको आता है। आइए आप बगैर कोई टाइम वेस्ट किए इस ट्रैक में, छोटा सा ट्रैक है, इस ट्रैक में मैं आपको चार फार्मूलाज दिखाऊंगा 10.4 से रिलेटेड इंट्रो में। इन फार्मूलाज के तहत जो है क्वेश्चन नंबर 1 होगा। इसी तरह से सम और डिफरेंस के फार्मूलाज मैं आपको लिखवाऊंगा ट्रैक 2 में, और इन दोनों ट्रैक्स को मिक्स करके जो फार्मूलाज आएंगे उनके तहत पूरी की पूरी 10.4 जो है उसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए चलते हैं आपको प्रोडक्ट फार्मूला की तरफ कि अगर आपको क्वेश्चन प्रोडक्ट में दिया गया होगा तो आप उसे सम और डिफरेंस में यानी प्लस या माइनस में फाइंड आउट करेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन सम और डिफरेंस यानी प्लस और माइनस में गिवन होगा तो आप उसका जो आंसर है वो प्रोडक्ट में लेकर आएंगे। तो आइए अभी हम प्रोडक्ट फार्मूला जो है उसे हम डिस्कस करेंगे विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो पहला फार्मूला क्या है, 2 sin alpha cos beta। आपको साइन अल्फा और कॉस बीटा में बकायदा क्वेश्चन गिवन होगा। अब आप जैसे ही साइन अल्फा कॉस बीटा का आपको क्वेश्चन मिलेगा आप उसको इस तरीके से मैनेज करेंगे, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यानी पहले एंगल में दूसरे एंगल को प्लस करेंगे, फिर प्लस का निशान होगा, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा यानी पहले एंगल में से दूसरे एंगल को माइनस कर देंगे। तो ये होगा 2 sin alpha cos beta का फार्मूला, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये फर्स्ट फार्मूला होगा। और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया हो 2 cos alpha sin beta तो आप क्या करेंगे, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यानी दोनों फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। इधर साइन 2 sin alpha cos beta है, इधर 2 cos alpha sin beta है। और अगर आपको स्टूडेंट देखिए थर्ड में 2 cos alpha cos beta यानी दोनों एंगल जो दिए गए हैं वो दोनों cos के हैं, तो then what will be the formula, cos alpha plus cos of alpha plus beta plus cos of alpha minus beta, यानी कि दोनों के cos दिए जाएंगे और उनको प्लस कर दिया जाएगा, उनको एक दफा प्लस करेंगे एक दफा माइनस करेंगे। थर्ड फार्मूला भी हो गया। फोर्थ फार्मूला स्टूडेंट्स, माइनस 2 sin alpha sin beta। अगर आपका फार्मूला कुछ ऐसा हो कि माइनस 2 sin alpha sin beta हो तो आप क्या करोगे, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ये यही फार्मूला है और उसी को पेस्ट किया गया है नीचे, मगर यहां प्लस है इसकी जगह पर क्या आ गया, माइनस आ गया, बाकी सारा कुछ वही रहा। तो ये तो था प्रोडक्ट फार्मूला स्टूडेंट्स। यहां अल्फा बीटा की बात हुई है, हो सकता है उधर थीटा हो, उधर फाई हो, उधर जनाबे वाला और कोई नाम हो एंगल का, ठीक है जी। तो जो भी एंगल का नेम होगा पहले और दूसरे का उनको इस तरीके से मैनेज किया जाएगा, पर उसका टू नहीं होगा, लिखा होगा साइन अल्फा कॉस बीटा बस। तो आप क्या करेंगे, उसको 2 sin alpha cos beta बनाने के लिए 1/2 को मल्टीप्लाई, 2 को डिवाइड भी करेंगे इसी रकम के साथ और मल्टीप्लाई भी करेंगे और फिर सेपरेट करके फॉर्मूले की ये शेप होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑलमोस्ट यही है, जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसके साथ ही इस ट्रैक का इख्तिताम होता है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रैक में मैं आपको सम और डिफरेंस के फार्मूला दिखाऊंगा, प्लीज इन्हें नोट कीजिए और ये आपको जुबानी याद भी होने चाहिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।